हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के कुछ कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज ये वो वाली सीरीज है जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं जिनका नॉर्मल भाषा में अगर उपयोग हो तो हमें मतलब नहीं समझ में आता तो बाय द मीन्स ऑफ दिस सीरीज हम ये कंसेप्ट को क्लियर करते हैं फॉर ऑल अपडेट्स आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं सो लेट स्टार्ट द वीडियो सबसे पहला शब्द जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज नैरो

तो अगर हम शॉर्ट टर्म लोन दे रहे हैं, हैं? क्या रखवा रहे रिस्क रिस्क फ्री कोई ज़्यादा ख़ास बड़ा नहीं है। ये सजेशन था नाइनटीन नाइनटी वन में उन बैंक के लिए जो बहुत वीक है वो रिस्क फ्री रहेंगे तो इजिली शॉर्ट टर्म डेट दे देंगे एंड कुछ ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी एनपीए भी नहीं होगा एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग असेट वो जो आपके पैसे बैंक के द्वारा जो उधार दिए गए पैसे दोबारा रिकवर नहीं होते वो एनपीए बन जाते हैं। तो अगर आप रिस्क फ्री एसेट पर लोन्स दे रहे हैं तो एनपीए के चांसेस नहीं है तो ये वीक बैंक्स के लिए बहुत सही सजेशन था इट वॉज गिवन बाय कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम देन कम्स न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स द स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन द राइटिंग्स ऑफ एल्फ्रेड मार्शल टीन 1924 रिप्लेस रीप्लेस क्लासिकल इकोनॉमिक्स बाय नाइनटीन सेंचुरी आल्सो नोन आज मार्जिनल रिवॉल्यूशन ये एक जमाने की बात है एक दौर की बात है कि अल्फ्रेड मार्शल की जो राइटिंग्स थी जो चीज़ें लिखते थे जो लॉ वगैरह बताए थे 1842 से 1924 तक इन्होंने रिप्लेस किया था किसको क्लासिकल इकोनॉमिक्स को क्लासिकल में आपके बहुत पुराने पुराने आ जाते हैं आपके एडम स्मिथ आई थिंक से मिल ये सब भी शायद क्लासिकली इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा तो ये इन्हें रिप्लेस किया था इन्होंने इन द नाइनटीन सेंचुरी और इन्हें हम न्यू क्लासिकल कहते हैं सबसे पहले कौन थे क्लासिकल थे फिर कौन आते हैं आपके न्यू क्लासिकल तो इन वालों को जब ये वाले आए तो पुराने वाले रिप्लेस हो गए तो इसे हम कहते हैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स

हमने इसमें से अपने छह लाख रुपए के खर्चे माइनस कर दिए अब कितना बचा अब हमारे पास खर्चे वर्चे सब देने के बाद अब बच रहा है चार लाख तो ये चार लाख हमारा क्या कहलाएगा दैट विल बी एज नेट इनकम ऑफ एनी कंपनी ये usually एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है इफ इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट आर नॉट डिडक्टेड इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्निंग्स नेट अर्निंग्स और नेट प्रॉफिट ठीक है नेट 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 अर्निंग अर्निंग प्रॉफिट इनकम ये सब इसके नाम है अगर इसमें से इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है इनकम टैक्स तो अब लगता ही है कंपनीज के ऊपर ठीक है अगर इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ प्लस इंटरेस्ट भी डिडक्ट नहीं हुआ अब इस चार लाख रुपए में से मैंने सिर्फ खर्चे माइनस किए हैं मैंने इंटरेस्ट नहीं माइनस किया एंड मैंने टैक्स नहीं माइनस किया तो ये प्रॉफिट नेट इनकम नहीं कहलाएगा ये प्रॉफिट तब कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है अब इस चार लाख में से मैंने इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया टैक्स भी माइनस कर दिया अब यहाँ पर बचा तीन लाख तो ये जो तीन लाख बचा ये कहलाएगा क्या, क्या ये कहलाएगा हमारा नेट इनकम ठीक है तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा इसके अलावा दैट इज ओके और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी फिर आ जाता है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो इट इज वन ऑफ द क्लॉजेज ऑफ द बेसल थर्ड नॉर्म्स बेसल के नॉर्म्स आए थे जो बैंकिंग के लिए आए थे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसल एक जगह है स्विट्जरलैंड में आई थिंक सो तो वहां पर ये एक नॉर्म्स आए थे कुछ रूल्स आए थे इन बेसल नॉर्म्स ने एम किया था कि प्रोडेंशियल रेगुलेशन लेकर आए थे बैंकिंग सेक्टर के लिए इनकी नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो ये क्या होती है बैंक्स को अपने पास कुछ सफिशियंट अमाउंट का पैसा रखना होता है एक साल तक के लिए ठीक है जिससे कि अगर कभी भी कोई भी दिक्कत हो पैसे की तो वो उससे कवर कर लिया जाए तो वो पैसा दैट पर्टिकुलर uh, जो, शब्द का, का जो यूज किया जाता है नेट स्टेबल फंडिंग ठीक है के साथ NPA ना हो जाए नॉन परफॉर्मिंग सेट्स ना हो जाए ज्यादा उनके पैसे डूब ना जाएं. जाए दैट इज माई बेसल नॉर्म्स को चाहे थे और उन्हें हम फॉलो करते हैं इंडिया में इम्पलीमेंटेड हो, हो जाएंगे तो उस हिसाब से ये बोला गया था कि आपको क्या जरूरी है आपको जरूरी ये है कि अपने पास एक साल तक के लिए इतना कैश रख लो लिक्विडिटी रख लो जिससे कम्स निंजा शब्द पढ़ के कुछ लोगों को निंजा हटोड़ी याद आ गया होगा कुछ को सिंगर निंजा याद आ गया होगा कुछ को निंजा बाइक याद आ गई होगी तो निंजा इज अ टर्म ये क्या है अमोडिज बिजनेस टर्मिनोलॉजी ये बिजनेस की टर्मिनोलॉजी है बिकेम कॉमन वर्ड आफ्टर द यूएस सबप्राइम क्राइसिस ऑफ मिड 2007 व्हिच इज एन एक्रोनिम फॉर द बोरोवर्स विद नो इनकम नो जॉब्स और नो एसेट्स ये शब्द उन लोगों के लिए यूज किया जाता है उन बोरोवर्स के लिए यूज किया जाता है जो उधार तो ले लेते हैं लेकिन उनके पास ना ही उसको पे करने की कोई इनकम है ना ही उनके पास कोई नौकरी है एंड ना ही उनके पास कोई एसेट है मैं अगर किसी से दस रुपए ले लूं तो ना ही अगर मेरे पास जॉब है ना ही मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसे रखवा कर उसके दस रुपए छुड़वा दूं एंड ना ही मेरे पास कोई नौकरी है ना ही कोई इनकम है ना ही कोई असेट है कुछ भी नहीं है तो मुझे क्या कहा जाएगा मुझे निंजा कहा जाएगा ठीक है अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो निन्जा थॉडी वॉज वन जिसके पास सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन होते थे आई थिंक केनीजी के हाँ केनेजी वॉज द कैरेक्टर तो उसके सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन होते थे तो लेकिन यहां पर देखा जाए तो निंजा ऐसा इंसान है जिसके पास कुछ भी नहीं है उसने आपसे उधार तो ले लिया बट ही इज अनेबल टू पेट अनेबल टू पेट बैक ऑल राइट सो दिस इज इट फॉर वीडियो आई होप आपको सारे टर्म समझ में आ गए होंगे प्लीज गिव यू वैल्यूएबल सजेशन कोई भी सजेशन हो तो प्लीज ज्वाइन फेसबुक पेज इकोनॉमिक्स अप फॉर द अपडेट्स यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम फॉर ऑल द पी डी एफ फॉर ऑल द डोट थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू